हेलो सो so, इस वीडियो में हम देखेंगे बाइसन बिलीफ नेटवर्क इन एआई, सो ये होता क्या है इट डिफाइंस द प्रॉबलिस्टिक इंडिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसीज अमंग दी वेरिएबल्स इन दी नेटवर्क कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके आपस में क्या इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी रिलेशन है या क्या डिपेंडेंट प्रॉबलिटिस रिलेशन है उसको ये डिफ़ाइन करता है सो इट इज अ प्रॉबेबलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल विच रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड देर कंडीशनल डिपेंडेंसीज यूजिंग अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ठीक है सो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ को यूज करता है ये और ये जो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है इसको कई बार हम बोलते हैं डी ए जी सो इट इज कॉल्ड एज डी ए जी ठीक है सो ये जो आ, पूरा बनता है जो नेटवर्क बनता है दे आर बिल्ट फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो दे आर बिल्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स एक तो है डी ए जी दैट इज डायरेक्टेड ए साइक्लिग्राफ और सेकेंड होता है टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबिलिटीज टेपल ऑफ कंडीशनल प्रोबिलिटीज सो ये दो चीज़ें होती हैं एक बाइसन बिलीफ नेटवर्क के अंदर सो so, बेसिकली जो बाइसन बिलीफ नेटवर्क है वो दो चीज़ों से मिल के बनता है एक होती है नोड और एक होता है आर कैफे जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड एरोज सो नोड किसको रिप्रेजेंट करती है नोड रिप्रजेंट करती है या कॉरस्पॉन्ड होती है एक रेंडम वेरिएबल से सो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रेंडम वेरिएबल ठीक है और ये जो रैंडम वेरिएबल है ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है सो इट कैन बी कॉन्टिन्यूस एंड इट कैन बी डिस्क्रीट एंड सेकेंड होता है इसमें डायरेक्टेड एरोज या जिसको हम बोलते हैं आर्क्स और ये क्या कहता है ये रिप्रेजेंट करता है कैजुअल रिलेशनशिप या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स सो इट रिप्रेजेंट कैजुअल रिलेशनशिप और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ अमंग रैंडम वेरिएबल्स ठीक है सो इस तरह से बाइसन बिलीफ नेटवर्क बनता है यूजिंग नोड्स एंड वेरिएबल्स सो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं लेटर से एक नोड है एक्स then we have another node Y Z and let us say this is A ठीक है so इसमें ये जो Z है A है X है Y है ये सब है nodes और ये जो connected हैं या फिर directed arrows हैं ये होती हैं arc अब इसमें होता क्या है इसमें कैसे हम पता लगता है जैसे कि आप consider करो नोड वाई को विच इज कनेक्टेड बाय नोड एक्स बाय डायरेक्टेड एरो सो इस केस में क्या होगा एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई एंड सिमिलरली जेड सो एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई एंड जेड बट जो नोड ए है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नोड एक्स क्योंकि डायरेक्टली कहीं रिलेशन नहीं है सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नोट एक्स सो इस तरह से इंडिपेंडेंसी भी और डिपेंडेंसी भी इन दोनों चीज़ों को शो करता है बाईसन बिलीव नेटवर्क ठीक है so, सो अगर हम देखते हैं एक लिंक है जैसे कि एक्स से वाई की तरफ लिंक है तो हमने ये तो कह दिया कि जो एक्स है वो वाई का पेरेंट है बट इसमें एक चीज और भी आपको देखनी है दैट देर इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन नोड वाई फ्रॉम नोड ए एक्स सो देर इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स ऑन वाई मतलब कि कंडीशनल प्रॉब्लटी यहां पे हम बनाएंगे सो so, इसमें एक चीज और होती है अपार्ट फ्रॉम नोड एंड आक्स टेबल इज क्रिएटेड विच कंटेन्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल द नोट्स विद इफेक्ट ऑफ देयर पेरेंट नोट्स ठीक है सो so, एक टेबल बनाई जाती है सो so, एक टेबल क्रिएट की जाती है और उस टेबल में क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द नोट्स ऑल द नोट विद इफेक्ट ऑफ देयर पेरेंट नोट्स so this is बाई सन बिलीफ नेटवर्क सो एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनता है और कैसे हम प्रॉब्रिटी लिखते हैं सपोज एक इवेंट है यहाँ पे हम ले रहे हैं ए एक इवेंट लिया मैंने बी और इन दोनों से मैंने नीचे एक इवेंट लिया सपोज सी तो ए और बी सी के पेरेंट हो गए यानी सी के ऊपर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी और ए और बी की अपनी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की भी टेबल होगी सो so यहाँ पे तो सिंपल अगर सिंगल एक वेरिएबल है तो क्या प्रोबेबिलिटी की टेबल बन सकती है कि या तो बी होगा या फिर बी नहीं होगा यानी कि ट्रू और फॉल्स सो सपोज़ यहाँ पर कुछ वैल्यू है इसकी ज़ीरो और यह है ज़ीरो ऐसी ए की भी अपनी एक टेबल बनेगी सिंपल सिंगल है तो क्या होगा सिंपल या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये इवेंट और ट्रू की सपोज है पॉइंट जीरो जीरो टू और ये है पॉइंट नाइन नाइन एट अब जो सी की कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि इसके दोनों पेरेंट हैं ये सो so, वो कैसे बनेगी वो देख लेते हैं सो so, वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास एक इवेंट है देन इवेंट बी उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जब सी ट्रू है और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जब सी फॉल्स है तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी या तो ए ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ए ट्रू होगा बी फॉल्स होगा बी फॉल्स होगा ए सॉरी ए फॉल्स होगा बी ट्रू होगा या फिर दोनों फॉल्स होंगे सो so, ये कंडीशनल प्रॉबर्टी का टेबल हम क्रिएट करते हैं ऑन एवरी नोड और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इसकी वैल्यूज़ दी होंगी आपको सो so, इस तरह से बाइसन बिलीफ नेटवर्क हम बनाते हैं नाउ टू प्रोपोगेट अ बिलीफ इन बाइसन नेटवर्क इनिशियल डायरेक्टेड एसाइक् ग्राफ जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में इन विच दी आर्गस कैन बी यूज टू ट्रांसमिट प्रॉबर्टीज इन द डायरेक्शन ऑफ एविडेंस सो so, कुछ इस तरह से कर देते हैं लेटेस्ट से एक बना दिया यू अन डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ जाते हैं अब हम इसमें एक्स वी एंड दिस वाई ठीक है सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं फॉर करेक्टनेस देर शुड नॉट बी अ साइकिल देर शुड नॉट बी अ साइकिल So, this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.